क्रिया। क्रिया वर्ब मतलब क्या? क्रिया। तो वर्ब किसे कहते हैं? तो वो वर्ब जिसमें हम एक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्शन। कोई भी चीज हो किसी में, द वर्ड दैट से समथिंग आर अबाउट एक्शन, वो वर्ड जो क्या बोल रहे हैं, से समथिंग अबाउट एक्शन, कुछ एक्शन के बारे में बताया जा रहा है। राइट, कुछ भी एक्शन होती है, जैसे आप साइकिल चला रहे हो, राइट, साइकिलिंग कर रहे हो तो साइकिलिंग एक्शन हो गई। जैसे आप पढ़ाई, कोई भी समय कुछ भी हम लोग पढ़े उसको एक्शन बेटा, एक्शन एक्शन, एक्शन जो एक्शन, एक्शन मतलब क्या, जैसे कि आप कोई ना कोई कार्य कर रहे हो। राइट, आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? वर्ब सीख रहे हैं। वर्ब का मतलब क्या हुआ? क्रियाएं करना, है ना, कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना हम लोग, क्रिया कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। एक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। जो भी वर्ड हमें ये बताता है कि एक्शन हो रहा है, कुछ कह रहा है हमें एक्शन से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड अ वर्ब, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। जैसे कि अ गर्ल डांस, देखो इधर, अ गर्ल डांस, अ गर्ल डांस, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल क्या है? डांस कर रही है, ठीक है। गर्ल क्या कर रही है? डांस कर रही है ना, ऐसे ऐसे करके। देन अब ये डांसेस क्या हो गया? डांस क्या हो गया? उसका क्या हो गया? डांस वर्ब हो गया। डांस क्या हो गया? वर्ब हो गया। देन दूसरा है अ वूमेन, वूमेन कुक, वूमेन कुक, औरत खाना बना रही है। यस, औरत खाना बना रही, कुक कर रही है। ये देखो, औरत क्या कर रही है? खाना बना रही है ना, कुक कर रही है। अब यहाँ पे जो कुक है, ठीक है, तो कुक क्या हो गया? एक्शन हुआ, क्योंकि अभी कुछ तो कर ही रही है। यस, तो कुक कर रही है ना, वुमेन क्या कर रही है? कुक कर रही है, तो ये एक्शन। अगर कुछ कर रहे हैं काम, तो एक्शन करेंगे। हाँ, अगर कोई काम हो रहा है तो एक्शन हो रही है। राइट, एक्शन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? वर्ब। जो एक्शन हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ब। काम लोग खेले, कूदे, बैठे, उसको सब एक्शन बोलेंगे। यस, एक्शन हो रही है ना, तो क्रिया हो रही है, क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वर्ब। तो समझा वर्ब क्या होता है। दूसरा एग्जांपल, द टीचर टीचेस, द टीचर टीचेस। अब जैसे कि मैं यू टीच कर रही हूँ, राइट, टीचिंग क्या होगी? मेरी एक्शन होगी, राइट। तो मेरे ये क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। अब आप लोग बताइए, टू द बॉय प्ले, द बॉय प्ले, वर्ब क्या होगा? वर्ब का मतलब कि लड़की खेल रहे हैं। हाँ, खेल रहे हैं ना, तो वर्ब क्या हुआ? मतलब कि और भी कुछ काम ही कर, खेलना उनका वर्ब हो गया। क्या हो गया? खेलना, प्ले। द बॉय प्ले, प्ले क्या हो गया? वर्ब हो गया। प्ले क्या हो गया? वर्ब। द मैन स्विम, स्विम पता है ना, स्विमिंग करते हैं, स्विम मतलब कि लड़का तैर रहा है। यस, तो तैरने को क्या बोलेंगे? स्विम को क्या बोलेंगे? वर्ब। स्विम क्या है? वर्ब। द बॉय क्राई, क्राई रो रहा है, रोना क्या हो गया? एक्शन हो गया। तो एक्शन, रोना एक्शन हो गया, तो क्राई क्या हुआ? वर्ब, ठीक है। द बर्ड फ्लाई, बर्ड फ्लाई कर रही है, आप बताओ। अभी कुछ एक्शन हुआ मतलब कि वो फ्लाई उड़ रही है। हाँ, तो इनमें बर्ड फ्लाई, तो इनमें से वर्ब कौन सा है? फ्लाई, फ्लाई क्या है? वर्ब है। द गर्ल राइट, गर्ल राइट, गर्ल राइट, राइट, वेरी गुड, राइट क्या है? वर्ब है। अगर वॉक, वेरी गुड, वॉक क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया। तो इससे इसका मतलब आप लोगों ने पहचानना सीख लिया है कि वर्ब होता क्या है। राइट, राइट, कोई भी कुछ भी करो उसका आखिरी वाला सब वर्ब होगा। यस, वर्ब के तीन रूप होते हैं। वर्ब के कितने रूप होते हैं? तीन। पहला है प्रेजेंट, फर्स्ट फॉर्म रहेगी। दूसरा सेकेंड, जिसकी पास्ट में सेकेंड रहता है, सेकेंड फॉर्म। और पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म रहता है। पर मैंने क्या बोला? प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म रहेगी, पास्ट में हमारा सेकेंड फॉर्म रहेगा, और पास्ट पार्टिसिपल में कितना फॉर्म रहेगा? थर्ड फॉर्म रहेगा। कितना फॉर्म रहेगा? थर्ड। जैसे कि मैं बोलूं आस्क, आस्क का मतलब क्या? पूछना। आस्क का मतलब क्या हुआ? पूछना। तो पास्ट में क्या होगा? अगर आप मतलब अभी पूछ रहे, राइट, पूछना, पास्ट में क्या होगा? पास्ट में जो निकल गया है उसे हम पास्ट बोलते हैं, राइट, जो समय निकल गया है वो पास्ट। तो पास्ट में क्या बोलेंगे? आस्केट, ASKED, आस्केट, ठीक है। क्या होगा? आस्केट। तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा? आस्केट, ठीक है, दोनों से। अब एक और है बाय, बाय मतलब क्या? BUY, बाय मतलब क्या? खरीदना। बाय मतलब क्या? खरीदना। खरीदना, तो पास्ट में क्या बोलेंगे हम?
फर्स्ट में खरीदा रहेगा तो क्या बोलेंगे बॉट, बॉट क्या बोलेंगे बॉट, बी ओ यू जी एच टी बॉट, क्या बोलेंगे बी ओ यू जी एच टी बॉट। तो ये फर्स्ट में सेकंड फॉर्म हो गई, वर्ब की कितनी फॉर्म हो गई सेकंड, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम पर पार्टिसिपल बोलते हैं उसमें क्या आएगा बॉडी आएगा। एक और है बर्न, बर्न बी ओ आर एन बर्न, बर्न मतलब क्या जलाना, कोई चीज जलाना राइट। तो बर्न ये प्रेजेंट में हमने यूज किया, और पास्ट में क्या करेंगे जो अभी निकल गया वो पास्ट, उसमें क्या यूज करेंगे बर्न, बी यू आर एन टी बर्न, क्या यूज करेंगे बर्न, जो कि पास्ट की सेकंड फॉर्म हो गई, क्या हो गई सेकंड फॉर्म, और पास्ट की थर्ड फॉर्म में क्या करेंगे बर्न रहेगा ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्राई, क्राई मतलब क्या चिल्लाना रोना राइट, तो क्राई तो क्राइड, पास्ट में क्या हुआ क्राई है ना, अब आप लोग जैसे बोलते मैं पहले रोई थी है ना, तो क्राइड क्राइड क्या बोलेंगे क्राइड, सी आर आई ई डी क्राइड ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल में भी क्या बोलेंगे क्राइडी बोलेंगे। कॉल, कॉल मतलब क्या बुलाना, कॉल मतलब क्या बुलाना, शी कॉल मी उसने मुझे बुलाया राइट, कॉल अभी वर्तमान की बात हुई ना शी कॉल मी और उसने मुझे बुलाया था शी कॉल्ड है ना, सी ए डबल एल ई डी कॉल, क्या बोलेंगे कॉल। और पास्ट पार्टिसिपल में भी क्या थर्ड फॉर्म में क्या बोलेंगे कॉल्डी बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा ड्रिंक, ड्रिंक मतलब क्या पीना, ड्रिंक मतलब क्या पीना, और पास्ट में पिया रहेगा तो क्या बोलेंगे सेकंड फॉर्म क्या आएगी वर्ब की, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी ड्रैंक, क्या आएगी ड्रैंक, डी आर ए एन के ड्रैंक, क्या आएगी ड्रैंक, क्या आएगी ड्रैंक क्लियर। थर्ड है हमारा, और अगर थर्ड फॉर्म जो पास्ट की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिकल की थर्ड फॉर्म वो क्या होगी डन, क्या होगी ड्रंक, ड्रंक ड्रंक डी आर यू एन के ड्रंक, क्या होगी ड्रंक। एक और चीज है डू, डी और डू, डू का मतलब क्या हुआ करना, डू को क्या बोलते हैं करना, कोई चीज हम कर रहे हैं डू, अगर उसे पास्ट में करेंगे तो उसको डिड बोलेंगे, नहीं नहीं पास्ट में, पास्ट में अगर करेंगे तो उसे डिड बोलेंगे, क्या बोलेंगे डिड। और अगर पास्ट पार्टिसिपल की बात की जाए तो थर्ड फॉर्म क्या लगेगी डन, क्या लगेगी डन, प्रेजेंट में डू, पास्ट में ड्र क्या डिड, और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा डन क्लियर। इट, इट मतलब खाते हो ना, प्रेजेंट में क्या बोलेंगे इट, और पास्ट में एट, ए टी ई एट ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा ईटेड,